यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से देर रात एक सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन में एक युवक अपने सर पर सूटकेस ले जाता नजर आ रहा है। देर रात का यह मामला यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से सामने आया है, जहां पर तीन बाइक सवार युवकों के द्वारा नकाब ओढ़कर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि घर के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन्हें तोड़कर अपने साथ ले गए, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर उनकी चोरी की ये सारी वारदात कैद हो चुकी है। यमुनानगर में एक बार फिर से चौंकाने वाला बड़ा मामला सामने आया है। दोस्तों, इस बार चोर चोरी करते समय जिस सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो रहे थे, वो सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ डीवीआर अपने साथ लेकर गए। यहां तक कि अब चोरों को घर के अंदर जो मकान की जो रजिस्ट्रियां हैं, उन रजिस्ट्रियों की कब से जरूरत महसूस होने लगी। यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। उस घर के अंदर की मैं अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले दुर्गा गार्डन के जिस घर के अंदर चोरों के द्वारा बीती रात के समय चोरी की जो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, घर के बाहर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। पता चल रहा है कि जिस घर के अंदर चोरों ने इस बार निशाना साधा है, उस घर में एक शादी ब्याह का फंक्शन था। जी हाँ, घर के बेटे की शादी थी, लेकिन शादी के चलते किस तरह से घर में चूना लग जाता है चोरों के द्वारा नहीं पता चलता। साइड में देख सकते हैं, ये वरना गाड़ी है जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए की है। अक्सर लोगों का कहना होता है कि जिस घर में चोरी होती है, जहां पर सोने के जेवरात चोरी किए जाते हैं, इतने जेवरात या कैश लोगों के घर पर नहीं होता, लेकिन इस घर के अंदर आप देख सकते हैं इतनी कीमती गाड़ी खड़ी हुई है, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के अंदर से क्या क्या सामान चोरों के द्वारा चोरी किया होगा। सबसे पहले तो बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था, गेट को जो है गेट से अंदर की तरफ आए हैं, ऊपर से छलांग लगाई अंदर की तरफ आए, और उसके बाद ये जो मेन गेट की मैं अब आपको अंदर की तरफ से दरवाजे की तस्वीरें दिखा रही, इस दरवाजे पर एक नहीं बल्कि दो दो ताले लगे हुए थे। तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर आप। दोस्तों, पता नहीं किस चीज का सहारा लेकर, किस हथियार का या किस चीज के द्वारा इस दरवाजे का ताला भी तोड़ा गया, जिसमें से तस्वीरें साफ साफ सामने आ रही हैं कि जो दरवाजा है, दरवाजे की जो तस्वीर है उसमें आप देखें कि किस तरह से इस दरवाजे को भी उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। घर के अंदर मैं आ चुकी हूं और अब यह बताना चाहेंगे कि जिस मालिक का यह घर है, इनका एक और दूसरा घर है जिस घर के अंदर भाई और भाभी रहते थे, लेकिन जिस मकान के अंदर चोरों के द्वारा बीती रात निशाना साधा गया है, इस घर के अंदर सबसे छोटा बेटा अपने माता पिता के साथ रहता था। घर में शादी थी तो इसीलिए दूसरे घर से लोग यहां पर आ रहे थे, लेकिन दो दिन के लिए यह घर बंद था, सिर्फ दो दिन के लिए, और दो दिन के अंदर ना जाने चोरों को कैसे भनक लगी, और उसके बाद घर के अंदर से सीसीटीवी कैमरा, एलईडी, सोने चांदी के जेवरात, यहां तक कि घर की जो टूटियां लगी हुई थी, यहां पर डीवीआर लगा हुआ था। तस्वीरें देख सकते हैं, इस घर के अंदर मालिक के द्वारा सेफ्टी के चलते कैमरे लगाए गए थे, एलईडी भी अपने साथ लेकर गए, डीवीआर भी अपने साथ लेकर गए, और घर के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, जो सबसे बड़ा एविडेंस था, वो अपने साथ लेकर गए। और आप देख सकते हैं घर के अंदर जितने दरवाजे हैं, सब दरवाजों के कुंडों को तोड़ा गया है दोस्तों, क्योंकि कुंडों को भी अगर हम बेचने जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों को भी जो भी मतलब पैसे हैं वो वसूल होते हैं इस तरह का सामान। तो तस्वीरें देख सकते हैं, हर घर के जो दरवाजे हैं, जितने दरवाजे हैं, दरवाजों के कुंडे तोड़े गए हैं, और कुंडे तोड़कर अंदर की तरफ दाखिल होकर घर का जितना जरूरी सामान था दोस्तों, सारा का सारा सामान, एक एक चीज को खंगाला गया है। यहाँ की इतनी उन लोगों को शर्म नहीं आई या इतना दिमाग नहीं था, घर का जो पूजा घर था, जो मंदिर था, उस मंदिर वाले सामान जो स्थान था, वहाँ की भी एक एक चीज को खंगाला गया, ताकि अगर कोई कीमती मूर्तियाँ उन्हें नजर आती तो उन मूर्तियों को भी अपने साथ लेकर जाते। हालांकि ऐसा कुछ भी सामान जो है मंदिर के अंदर नहीं पाया गया, लेकिन तस्वीरें मैं आपको हर घर के हर कमरे की दिखा रही हूं। अब ये दूसरा कमरा है घर का, जिस घर के अंदर का कमरे का सारा जो सामान है वो तहस नहस किया गया है, एक एक चीज को जो है खंगाला गया, और उसके बाद जो जो चीजें उन्हें कीमती लगी उन्हें अपने साथ लेकर गए। यमुनानगर के अंदर हर कुछ समय के बाद चोरों के द्वारा इस तरह की वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन जहां
जहां पर एक तरफ इस तरह के मामलों में सख्ती बरतते हुए ये मामले थमने चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस तरह के मामले आज चरम सीमा पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के जो जिलावासी हैं वो परेशान हो चुके हैं। आज वो अपनी खुशियां मनाने के लिए, घूमने के लिए अपने शहर के बाहर भी नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि चोरों को जब पता चलता है कि इस घर में ताले लगे हैं तो बंद घरों के अंदर वो निशाना साधते हैं। और इस घर में जहां पर चोरी हुई है, यहां पर जो है चार भाई हैं जिनकी एकलौती बहन है, लेकिन तीसरे भाई की शादी थी, लेकिन नहीं पता चला कि कैसे चोरी हो जाती है। एक बार जी टूटी दिखाएंगे आप, ये सामने देखिए आप, वॉश बेसिन है दोस्तों, वॉश बेसिन की जो टूटियां हैं, यहाँ तक कि इतना बुरा हाल है जो सेंट्री का जो सामान है, जो टूटियां हैं वो भी अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि कीमती हैं, उनको जब बेचेंगे तो पैसे, कुछ ना कुछ पैसे तो वसूल होंगे ही, तो इसीलिए टूटियां तक अपने साथ लेकर गए हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ आकर खड़ा होता है कि कितने चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को लगातार जो है वो चेक किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा ताकि पता लगाया जा सके देर रात कितने बजे का समय था और कितने चोर आए और कितने बजे इस घटना को अंजाम देकर गए। यहाँ तक कि पता चल रहा है कि चोरी करते समय उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी तो वो रसोई घर के अंदर आए, क्योंकि मालिक का कहना है कि रसोई पूरी तरह से साफ करके गए थे, लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने देखा चोरी हुई है। उसके बाद यहां पर गिलास रखे हुए थे, क्योंकि जो अपने घर की साफ सफाई करेगा उसे पता होगा कि घर की एक एक चीज कहां पर थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं साइड में कांच के गिलास रखे हुए हैं, पता नहीं कितने लोग थे पानी पीकर यहां से गए हैं। और उसके बाद आप रसोई की जो सिंक है, सिंक के ऊपर जहां टूटियां लगी होती हैं वो टूटियां देख सकते हैं, चार की चार टूटियां चोरों के द्वारा चोरी की गई हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों यमुनानगर शहर में इस तरह के चोरी के मामलों का सामने आना। और अब बात आ चुकी है परिवार वालों से बात करने की, एक बार भाई लोग हमारे साथ हैं जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अजय है। अजय, अजय कौन से नंबर पे भाई हैं आप? कितने भाई बहन हो आप लोग? मैं पहला हूँ। सबसे पहले जी, कैसे चोरी होगी घर में? जी मैम, हम तो कल आए थे अपना, दो दिन के लिए बंद करके चले गए थे अपना। उसके बाद सुबेरे आए, पापा देखे तो बाहर तो ताला बंद था, अंदर से भी कुंडा बंद था गेट का। उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोले देखे अंदर का सारा कुछ चोरी हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ है बताएंगे? क्या 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 थोड़ा अंदाजा बता दें आप, इतना तो पता होगा मैम। गोल्ड हुआ था। कितना गोल्ड था? गोल्ड 5 तोले के करीब था। उसके बाद से चांदी का भी था सामान उसमें। उसके बाद से LED ले गए, DVR था कैमरे का। उसके बाद से अब रजिस्ट्री था, कैश भी था। कितना कैश था घर में? कैश लगभग 50,000 से ऊपर था। शादी थी आपके घर में? शादी थी जी। तो चोरी कैसे होगी? तो कोई और घर घुर भी है क्या आपका? यमुनानगर में एक घर है, वहाँ चले गए थे शादी में। शादी में जब वहाँ गए थे तो अपना ये बंद था यहाँ घर, बल्कि सुबह आए थे घूम के चले गए बाहरी बार, फिर अपना देखे नहीं अंदर आके, फिर ये रात के टाइम की काम बात है ये। चलिए एक और बेटा है भैया, आप कब कहाँ रहते हैं? दो घर हैं आपके? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ जगाधरी, मम्मी पापा के साथ ही, और मम्मी पापा और मैं रहते हैं यहीं पे। तो हम भाई की शादी थी तीसरे वाले की, तो हम सारे यमुनानगर चले गए थे, तो जिससे कि हम सोमवार को आए थे यहाँ पे लास्ट टाइम। तो फिर कल और परसों की बात है ये जो चोरी हुई होगी, क्योंकि अब सुबह के टाइम पापा जब आए थे तो देखा ये गेट के ऊपर भी निशान है पैरों का, और ये जो दरवाजा वो भी खुल रखे थे। और इसके बाद पापा ने फिर मुझे फ़ोन किया देखने के लिए, तब जब मैं आया तो देखा सारा कुछ यहाँ चोरी हो रखा था। तो आपको नहीं लगता आपके घर में शादी का फंक्शन था, दूसरे घर में आप शादी मना रहे थे, और उसके बाद इस घर में कैश भी रखा हुआ था, सोना, इन सब चीज़ों की वहाँ जरूरत नहीं थी आप लोगों को? नहीं, बाकी जो जरूरत थी वो तो हम ले गए थे, क्योंकि वो जो गोल्ड था मम्मी और सिस्टर का था, तो जो वहाँ पर उसका कोई काम तो था नहीं, और वैसे भी हम सोमवार को ही आए थे यहाँ पे। भैया इतनी बड़ी लापरवाही आप लोगों की ओर से ही सामने आई है, ये बंद घर के अंदर, यमुनानगर के ही रहने वाले हैं क्या आप सब? हाँ जी, यमुनानगर के ही है। तो आपको नहीं पता यमुनानगर में पहले इतना बुरा हाल हो रहा है, बंद घरों के अंदर ही निशाना साध रहे हैं चोर, फिर भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कर गए? अब देखो, अब जैसे भी था, अब तो हमें पता नहीं था ना कि ये सब हो जाएगा। अब क्या फायदा इस चीज का? क्या रिकॉर्डिंग भी चेक करवाई है जिसमें 3 बंदे सामने आए हैं, रात के 1:30 बजे की बात है ये, रात के 1:30 बजे। अभी हम वो सीसीटीवी कैमरे आपको दिखाएंगे। चलिए ठीक है। माता जी हैं जिनके 2 घर हैं, माता जी अपने पति के साथ इसी घर में अपने और एक सबसे छोटे बेटे के साथ रहती थी, लेकिन माता जी आज सुन पड़ चुकी हैं, बेटे की शादी करते करते नहीं पता था कि चोरों के द्वारा इतना बड़ा चूना लग जाएगा। माता जी रो रही हैं दोस्तों, आप लोगों के साथ की जरूरत है आज एक बार फिर से, एक माँ किस तरह से रो
रोती तड़पती नजर आ रही है। पति की मेहनत की कमाई से आज एक बेटे की शादी करने जा रहे थे, लेकिन नहीं पता था कि घर में इतना कुछ हो जाएगा। खुशियां, एक तरफ खुशियां दस्तक दे रही थी और दूसरी ही तरफ चोरों के द्वारा इस बंद घर के अंदर निशाना साधा गया। एक बार माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगी, बेटे की शादी कर रहे थे आप और इतना बड़ा चूना लग गया, चोरों ने चोरी कर ली। हमको पता नहीं था कि चोरी हो जाएगा सामान। बेटा आए, सफाई फाई करके गए, दो दिन में आए, फिर इसका पापा दावा लेने, दावा लेकर सोच रहे हमें ही आराम कर ली, आए तो देखा सारा सामान उठ गए यहाँ पर। माता जी इतना जेवर आपने घर में रखा हुआ था, आपको नहीं लगता था वो सारा कीमती सामान साथ में रखना चाहिए आपको? नहीं, दो तीन ले गए, पानी क्या उम्र है पहनने के, लड़की भी ले आई, यही सोमवार के दिन रखे गए घर, मम्मी यही रखे, फिर हमको आना यही है होली के बाद, तो हम वहाँ क्या करने ले जाए यहाँ पर। नहीं ले नहीं, फिर आए ना सोमवार के दिन सफाई करें, सफाई करने तो मतलब उधर काफी आपको ना जी। मैं इनकी सिस्टर हूँ जी, तो उधर से आई हूँ, तो जब आए थे हम मंडे सफाई करने के लिए, तो आधा सामान उधर से इधर शिफ्ट कर दिए जो लेके गए थे, ज्वेलरी वगैरह मम्मी का मेरा मोस्टली था, तो यहाँ भी रख के दो दिन पहले ही साफ सफाई करके गए, तो यहाँ शिफ्ट करके गए थे कि अब दो दिन बाद वापस आना ही है इधर, कि बहू की विदाई करके फिर उसके बाद इधर आते हैं हम, तो उसके बीच में दो दिन ये काम हो गया। शादी हो चुकी थी भाई? हाँ, शादी हो चुकी थी। शादी कब की थी? 12 को थी शादी, 12 को थी, गेस्ट वगैरह जा रहे थे, तो हमारे में रस्म भी होती है लड़की की विदाई की, तो कल उसकी विदाई करके फिर हम इधर आते रहने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा उधर भरा हुआ सामान था, तो हमने सोचा कि आधा सामान इधर शिफ्ट कर दे जो लेके गए हुए थे, तो मैं ही खुद आई थी मंडे को इधर, जो रख के और गई थी साफ़ सफाई करके अच्छे से, और दो दिन के बाद ही मतलब आज पापा आए तो ये सब देखने को मिला हमें। संदीप सर, ये दुर्गा गार्डन में रात के समय एक चोरी का मामला सामने आया, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में तीन लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से संज्ञान में ये जानकारी आती है आपके? ये अभी जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी, एक जयश्री है, वो अपने कंसापुर रोड पर रहने वाले हैं, तो उनका एक मकान यहाँ भी है, वो एक दो दिन से वहाँ गए थे अपने मकान पर, तो उसके मकान में चोरी हुई है पता लगे, उसको सीसीटीवी भी देख लिया है और उसको पेनड्राइव में डलवा रहे हैं, जैसे ही कोई साक्ष्य सामने आएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। सामान में क्या क्या चोरी हुआ है जो आपको लिखवाया उन्होंने? उन्होंने लिखवाया कि 5 तोले सोना है मेरा और 5 तोले के करीब और 60-70 हज़ार रुपये नकद हैं, कुछ और भी सामान है जी, वो उसकी लिस्ट देख के अपने दे देंगे। संदीप जी, आसपास सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं, कोई कैमरा ऐसा जिसको अब तक आपने खंगाला जिसमें कुछ सामने आया हो? हाँ, जो उसके मकान के सामने वाला कैमरा है उसको हमने देखा है, उसमें थोड़ा नाइट रात होने की वजह से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, परंतु फिर भी उसके आगे भी जो कैमरे हैं उनको भी देख रहे हैं अभी। तो क्या कार्रवाई इसमें जा रही है सर? इसमें अभी मुकदमा दर्ज करके फिर तफ्तीश करेंगे उसके और मुखबिर भी लगाएंगे अपना, और आमजन से भी अगर किसी को ऐसा ही इस बारे में कोई खबर पता लगे तो हमारे अपना मोबाइल नंबर है 88180-00136, उस पर आप सूचना दे सकते हैं। संदीप जी, अपने एरिया के इंचार्ज होने के नाते अपने एरिया वासियों को या यमुनानगर वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यमुनानगर में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जी, मैसेज तो देखो आमजन को यही है कि अगर वो एक दो दिन के लिए दो तीन दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो एक बार हमें अगर वो सूचित कर दें तो हम उधर स्पेशली कोई अपना राइडर वगैरह लगा के या खुद हम भी वहाँ गश्त बढ़ा देंगे ताकि चोरी होने से बचे। तो दोस्तों, यमुनानगर से आज की एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ मैं लाइव जुड़ चुकी हूँ, दुर्गा गार्डन के उस घर से तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर बीती रात के समय सीसीटीवी में जो सामने आ चुका है कि तीन चोरों के द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा लगातार जो है सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि और पुख्ता सबूत जुटाए जा सके, और उन्हीं सबूतों के आधार पर देखना लाजमी होगा कितनी जल्दी तीन शातिर चोरों का पर्दाफाश होता है। ऐसे शातिर चोर जो घर की टूटियां तक अपने साथ लेकर गए, घर की रजिस्ट्री अपने साथ लेकर गए, यहां तक कि जिस सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कैद हो चुके थे चोरी करते समय, वो सीसीटीवी कैमरे एलईडी और डीवी तक अपने साथ लेकर गए। अब देखते हैं कितनी जल्दी इस केस में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है, कितनी जल्दी इनके नुकसान की भरपाई हो पाती है, और कितनी जल्दी तीन तीन शातिर चोरों का पर्दाफाश होता है, देखते हैं कितनी जल्दी ये गुत्थी सुलझती है। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से मैं लाइव जुड़ी थी। मेरी इस खबर को देखने वाले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यमुनानगर की जनता जागरूक हो सके और आने वाले समय में अपने घरों को कभी भी इस तरह से बंद करके ना जा सके। आज इस घर के अंदर चोरों के द्वारा निशाना
ज्यादा गया है कल मतलब आने वाले समय में आप लोगों के किसी के भी बंद घर के अंदर चोरों के द्वारा इस तरह की बड़ी वारदात हो सकती है। तो प्लीज उसके लिए आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यमुनानगर की जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के दुर्गा गार्डन से मनदीप कौर की रिपोर्ट।